बरेली में प्रेमी के साथ मिलकर एक युवती ने अपने पति की हत्या कर दी। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने युवती, प्रेमी और एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। अमरोहा में बेखौफ बदमाशों ने एक बच्ची की हत्या कर शव मंदिर के कमरे में फेंककर फरार हुए। बच्चा 2 दिन से लापता था। बागपत में कुछ लोगों ने 12 फीट लंबे सांप की पीट पीट कर उसे मार डाला, जिसके बाद दोनों पक्षों में तनाव हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है। अमेठी में युवक की संदिग्ध मौत के मामले में लोगों के साथ परिजन इंसाफ के लिए भूख हड़ताल पर बैठ गए। भूख हड़ताल के 4 दिन के बाद भी पुलिस ने सुध नहीं ली। बस्ती पहुंचे मंत्री संजय निषाद ने अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोला और कहा कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हमारी सरकार पर उंगली उठाने वाले अपने गिरेबा में झांक कर देखें। समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट के हेड पर हुई कार्रवाई के बाद सपा नेताओं में मची खलबली। आज भी माहौल गर्म रहने वाला है। सुबह 11 बजे सपा पार्टी दफ्तर में अहम बैठक करेगी। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। मुंबई के बाद चेन्नई के उद्योगपतियों को यूपी सरकार निवेश के लिए साधने में जुटी है। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना चेन्नई पहुंचे और अगले 3 दिन उद्योगपतियों, मंत्रियों और अधिकारियों की चर्चा होगी। ठंड में भी टी शर्ट में यात्रा कर रहे राहुल की सांसद अफजाल अंसारी ने तारीफ की। कहा कि राहुल लोगों के साथ अन्याय के खिलाफ खड़े हैं, सत्ताधारी डरे हुए हैं। गाजीपुर कोर्ट में पेशी से पहले बाहुबली मुख्तार को सता रहा सुरक्षा का डर। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जेंट सुनवाई के लिए दाखिल होगी अर्जी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की मांग। चंदौली में सांसद महेंद्रनाथ पांडे ने विकास के कार्यों की समीक्षा की। करीब 27 करोड़ की 127 परियोजनाओं का लोकार्पण किया, शिलान्यास किया। पहाड़ पर दरार, एक्शन में केंद्र सरकार। आज एनडीएमए की टीम जाएगी जोशीमठ। पीएम संघ प्रधान सचिव की बैठक के बाद हुआ फैसला। 7 संस्थानों के विशेषज्ञों की टीम हालात का अध्ययन कर सौंपेगी रिपोर्ट। काशीपुर पहुंचे प्रवीण तोगड़िया ने जोशीमठ आपदा पर चिंता जाहिर की। कहा कि पर्यावरण की चिंता किए बगैर विकास करेंगे तो विनाश होगा। जोशीमठ मामले पर पीएम मोदी ने की सीएम धामी से बातचीत। जोशीमठ के मौजूदा हालात को लेकर ली जानकारी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कल किया था जोशीमठ का निरीक्षण। जोशीमठ में जमीन धंसने के मामले में बोले पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। कहा राज्य सरकार को अच्छे से देना चाहिए मामले पर ध्यान। धार्मिक और सामरिक दृष्टि से जोशीमठ का विशेष महत्व। पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक ने जोशीमठ में जमीन धंसने पर जताई चिंता। कहा उत्तराखंड में बड़ी परियोजनाओं के पक्ष में बिल्कुल नहीं, उत्तराखंड की जवानी और पानी हमेशा देश के काम आया है। काशीपुर में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया का स्वागत। जोशीमठ के सवाल पर बोले जितने घरों की क्षति हुई है सरकार को सबको वैकल्पिक घर देने चाहिए। मुख्य सचिव ने अधिकारियों के साथ किया जोशीमठ के प्रभावित इलाकों का दौरा। तत्काल प्रभावितों को सहायता पहुंचाने के दिए निर्देश। जोशीमठ में जेपी कॉलोनी के नीचे निकला झरना। शहर के ठीक नीचे निकला फव्वारा। शहर की कमजोर नींव का कर रहा इशारा। उत्तरकाशी में 31 वर्षों से मस्ताड़ी गांव में धंस रही है जमीन। लोगों के घरों में आई दरारें। लंबे समय से स्थानीय लोग विस्थापन की कर रहे मांग। प्रशासन ने भूमि के सर्वे कराने की कही बात। सपा के ट्विटर हैंडल हेड मनीष जगन अग्रवाल गिरफ्तार। सपा के सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल से अभद्र टिप्पणी के मामले में हुई गिरफ्तारी। नाराज हैं सपा के कार्यकर्ता। मनीष अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद बोले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, पुलिस मुख्यालय में नहीं है कोई सुनने वाला। इस सरकार में न्याय की उम्मीद करना बेईमानी। मनीष अग्रवाल की गिरफ्तारी पर पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा कि जांच के बाद हुई मनीष की गिरफ्तारी। महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी के मामले में अब होगा एक्शन। मऊ में सपा के आईटी चीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ सपा नेताओं ने किया प्रदर्शन। सपा नेताओं की पुलिस से हुई धक्का मुक्की। सूचना पाकर मौके पर पहुंची भारी पुलिस फोर्स। अलीगढ़ में एक निजी कार्यक्रम में शामिल हुए मुरादाबाद से सपा के सांसद डॉक्टर एसटी हसन। पार्टी के आईटी चीफ की गिरफ्तारी पर बोले मामूली सी बातों पर सपा नेताओं को भेजा जा रहा है जेल। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।